नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके महाराष्ट्र में नीट UG की जो आपकी काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ नए दो नोटिस आए हैं। साथ ही आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो दो नए नोटिस रिलीज हुए हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट जो लिंक है वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, info.mahaset.org/cap2021/neet-ug। तो ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जो नया नोटिस रिलीज हुआ आपका नया नोटिस आया है 4% विद डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जो नया नोटिस है वो हम देख लेते हैं आपका। तो ये आप देख सकते हैं, ये नया नोटिस आपका रिलीज हुआ है आपका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की तरफ से, जो आपका नीट UG PG कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा। स्टेट कोटा काउंसलिंग जो आपकी होती है, तो इसमें दे रखा है कि जो जो स्टूडेंट आपके नीट UG नीट PG AII PZ 2021 क्वालिफाइड हैं, जो आपके MBBS BDS BAMS BHMS BUMS और BNYS कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, तो और फिजिकल वीकर जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो होगा PWD सर्टिफिकेट वो आपको जो लिस्ट दे रखी है इस नोटिस में, तो इस नोटिस में जो आपको ये लिस्ट दे रखी है इन जो सेंटर्स है यहाँ पे जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा PWD सर्टिफिकेट बनेगा वही वैलिड होगा। बाकी किसी जो सेंटर से अगर आप बनवा लेते हैं और PWD कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले नहीं पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे आपके लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर हु विल इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर NMC नॉर्म्स। तो ये आप देख सकते हैं, UG हो चाहे PG कोर्सेज हो, सभी के लिए ये PWD सर्टिफिकेट्स के लिए सेंटर्स ये रहेंगे, इन्हीं से वैलिड माना जाएगा आपका। तो ये आप देख सकते हैं आपका मुंबई महाराष्ट्र चेन्नई कोलकाता मुंबई सभी के लिए आपके ये सेंटर्स हर एक जगह आपको दे रखे हैं। तो जो इसका परफॉर्मा है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार का आपका ये परफॉर्मा है, इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है वो बनवाना है, तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये परफॉर्मा आपको दिया हुआ है। तो साथ ही साथ आपका जो MCC की तरफ से नोटिस रिलीज हुआ है आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं कि आपके ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं जो वैकेंट रह जाती थी पहले वो स्टेट कोटा में आपकी रिवर्ट बैक हो जाती थी, लेकिन अब ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के एडमिशन्स ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू होंगे, दोबारा स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं होगी। तो इसी के रिगार्डिंग जो आपका आपकी महाराष्ट्र की स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है जो आपकी इसके लिए गवर्निंग बॉडी आपकी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया है कि आपके जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो दोबारा स्टेट कोटा में रिवर्ट नहीं होगी। तो जो जो स्टूडेंट अप्लाई कर गए हैं स्टेट कोटा के लिए उन्हें सिर्फ स्टेट कोटा की सीट्स पर एडमिशन मिलेगा, और जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स पहले रिवर्ट बैक होती थी जो वैकेंट रह जाती थी आपकी फर्स्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, वो अब रिवर्ट बैक नहीं होगी। तो जो जो स्टूडेंट महाराष्ट्र में आपके MBBS BDS BHMS BUMS आपके BSc नर्सिंग BPT BOT और बाकी जो कोर्सेज आपके बच गए उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, नीट के थ्रू एडमिशन्स होते हैं सभी आपके मेडिकल कोर्सेज में महाराष्ट्र में, तो बहुत जल्द आपके काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना सर्टिफिकेट्स बनवा लें, बहुत जल्द आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और आपके अलग अलग स्टेट्स में भी आपके राजस्थान में एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं स्टेट कोटा के MBBS BDS के कोर्सेज के, दिल्ली में स्टार्ट होने वाले हैं, बाकी स्टेट्स में भी जैसे जैसे स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे रिलीज़ हुए हमने उन पे वीडियोस बनाई है। तो आप अदर स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या किसी और स्टेट के बारे में जो आप बिलोंग करते हैं और हमने इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है किसी भी स्टेट के बारे में, कौन सी भी काउंसलिंग प्रोसेस हो आपकी नीट UG की हो PG की हो आयुष की हो पैरामेडिकल नर्सिंग किसी भी कोर्स के रिलेटेड हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, एक अलग से आपके लिए वीडियो भी बना देंगे। प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।